नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम फंजाई पक्सीनिया के लाइफ साइकिल के अगले भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि अल्टरनेटिव होस्ट यानी बर्बेरिस पादप पर पूर्ण होता है। प्राइमरी होस्ट यानी गेहूं के पादप पर यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर तथा बेसिडियोस्पोर्स के बनने के पश्चात बाकी के दो स्पोर्स एशियोस्पोर्स व पिकनियोस्पोर्स बर्बेरिस पादप पर बनते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इन्हीं स्पोर्स का परिवर्धन व कार्यों का अध्ययन करेंगे। पक्सीनिया ग्रामिनिस कवक के जीवन चक्र में दो फेजेस पाई जाती हैं, अगुणित अवस्था व द्विगुणित अवस्था। अगुणित अवस्था को हैप्लोफेज कहा जाता है और यह अवस्था बर्बेरिस प्लांट, जिसे कि पक्सीनिया का वैकल्पिक होस्ट कहा जाता है, में पूर्ण होती है। हैप्लोफेज की शुरुआत बेसिडियोस्पोर्स के निर्माण से प्रारंभ हो जाती है और बर्बेरिस पादप पर पिकनिडियोस्पोर्स व एसियोस्पोर्स नामक दो बीजाणुओं का निर्माण होता है। उपरोक्त चित्र में आपको बर्बेरिस की पत्ती की अपर सरफेस व लोअर सरफेस नजर आ रही है और साथ ही अपर तथा लोअर सरफेस पर पिकनीडियल कप व एसीडियल कप भी नजर आ रहे हैं। प्रारंभ में जो चित्र आपने देखा था वह भी एसीडियल कप को दिखाने वाला चित्र था। अब हम बात करते हैं पिकनीडियोस्पोर्स की, या इस अवस्था को स्पर्मोगोनियम अवस्था भी कहा जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि यह पक्सीनिया के लाइफ साइकिल की स्टेज जीरो भी कहलाती है। पिकनिडियोस्पोर्स या स्पर्मोगोनियम स्टेज का प्रारंभ बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरण से होता है। बेसिडियोस्पोर्स सदैव अनुकूल कंडीशंस में ही अंकुरित होते हैं और इनका अंकुरण बर्बेरिस की पत्ती पर होता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेसिडियोस्पोर्स पुनः वीट प्लांट को यानी इसके प्राइमरी होस्ट को संक्रमित नहीं कर सकते, अपितु यह बर्बेरिस की पत्ती पर ही संक्रमण करने में सक्षम है। बेसिडियोस्पोर की संरचना आपको ध्यान होगी, यह पतली भित्ति युक्त गोलाकार स्पोर्स होते हैं जिसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है। जर्मिनेशन के समय बेसिडियोस्पोर से एक जर्मिनेशन ट्यूब या अंकुरण नलिका निकलती है, जो कि बर्बेरिस की पत्ती के लीफ एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए पत्ती के अंदर प्रवेश करती है तथा इंटरसेल्युलर स्पेसेस व होस्ट टिश्यू में तेजी से फैलने लगती है। यह जर्म ट्यूब माइसीलियम का निर्माण कर देती है। माइसीलियम पत्ती की एपिडर्मिस के नीचे एकत्र होकर पिकनीडिया अथवा स्पर्मोगोनियम नामक संरचना बनाता है। यह पिकनीडियम पीले रंग की फ्लास्क शेप संरचना होती है, जो कि पत्ती की ऊपरी सतह पर उभरी हुई नजर आती है। पिकनीडियम सदैव अपर सरफेस पर ही बनते हैं। फ्लास्क नुमा यह संरचना एक छोटे से छिद्र ओस्टियोल के द्वारा पत्ती की सतह पर खुलती है। यह ओस्टियोल अनेक बंधे हाइफी, जिसे कि पेरिफाइसिस कहा जाता है, के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक और संरचना जिसको कि हम ग्राही हाइफी या रिसेप्टिव हाइफी अथवा फ्लेक्सस हाइफी कहते हैं, यह भी ओस्टियोल में देखने को मिलती है। थिन वॉल्ड हाइफी रिसेप्टिव हाइफी के रूप में पाए जाते हैं। यह शाखित संरचना होती है और पेरिफाइसिस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकली होती है। तो जो थ्योरी हमने पढ़ी है, इस चित्र के द्वारा हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिकनीडियम फ्लास्क शेप इसकी स्पष्ट नजर आ रही है और ऊपर की तरफ यह ओस्टियोल नामक छिद्र से खुलता है। इसी संरचना को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं।
तो हम देखते हैं कि फ्लास्क नुमा इस संरचना का जो आधार है वह पिकनीडियो फोर नामक संरचना से मिलकर बना हुआ है। पिकनीडियो फोर यानी पिकनीडिया या पिकनियोस्पोर को धारण करने वाली संरचना। तो कप शेप संरचना पिकनीडियम, इसकी भित्ति पिकनीडियो फोर की बनी हुई और इस पिकनीडियो फोर से आपको गोलाकार पतली भित्ति वाले अनेक स्पोर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें पिकनियोस्पोर्स या अचल पुमड़ों के नाम से जाना जाता है। यहीं आप फ्लेक्सस हाइफी या रिसेप्टिव हाइफी को भी देख पा रहे हैं। प्रत्येक बर्बरिस की पत्ती पर प्लस तथा माइनस प्रभेद के अनेक प्रकार के पिकनियोस्पोर्स पाए जाते हैं। अब यहीं पर स्पर्मेशिया अथवा पिकनियोस्पोर का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं पिकनीडियो फोर अथवा स्पर्मेशियो फोर ऊपर की तरफ गोलाकार आकृति के पिकनियोस्पोर्स काटते हैं। पास ही रिसेप्टिव हाइफा स्थित होता है। मैच्योरिटी पर स्पर्मेशियो फोर से एक नेक्टर नुमा पदार्थ स्रावित होता है जो कि इंसेक्ट्स को बर्बरिस की पत्ती पर आकर्षित करता है। यह कीट पत्ती पर बैठते हैं और अपने साथ ही पिकनियोस्पोर्स को या स्पर्मेशिया को एक बर्बरिस की पत्ती से दूसरी बर्बरिस की पत्ती तक पहुंचा देते हैं। दूसरी पत्ती पर पहुंचने पर रिसेप्टिव हाइफा अलग प्रभेद वाले स्पर्मेशिया को ग्रहण कर लेते हैं। बीच की कॉमन वॉल डिजॉल्व हो जाती है तथा स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्पर्मेटाइजेशन अर्थात एक पादप के स्पर्मेशिया का दूसरे पादप की रिसेप्टिव हाइफी तक पहुंचना। इस प्रक्रिया के पश्चात जो माइसीलियम बनता है उसमें स्पर्मेशिया तथा रिसेप्टिव हाइफी दोनों का ही केंद्रक उपस्थित होता है। अतः यह माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है या द्विकेंद्रकीय होता है। तो इस प्रकार स्पर्मेशिया तथा फ्लेक्सस हाइफी स्पर्मेटाइजेशन के पश्चात डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो स्पर्मेटाइजेशन ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अदर स्ट्रेन, और स्पर्मेटाइजेशन के पश्चात डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है जो आगे चलकर नेक्स्ट अवस्था यानी एसीडियल स्टेज बनाता है जिसको कि हमने स्टेज वन का नाम दिया है। ऊपर की एपिडर्मिस पर स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और धीरे धीरे यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाता है। लोअर एपिडर्मिस पर पहुंचने के बाद यह पत्ती की सतह पर ऑरेंज कलर की कपनुमा संरचना बनाता है जिसे कि एसीडिया नाम दिया जाता है। एसीडिया तभी बनते हैं जबकि स्पर्मेटाइजेशन के पश्चात माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो जाता है। ये माइसीलियम एसीडियल कप की रूफ या छत का निर्माण करते हैं और यहीं पर एसीडियो फोर यानी एसियोस्पोर्स को धारण करने वाली संरचना का निर्माण होता है। इस चित्र के द्वारा आप उपरोक्त सभी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस चित्र में बर्बरिस की पत्ती दिखाई गई है। ऊपरी सतह अपर एपिडर्मिस तथा लोअर एपिडर्मिस हमें स्पष्ट नजर आ रही है। अपर एपिडर्मिस पर पिकनीडियल कप में स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना और धीरे धीरे यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर आपको यह सेकेंडरी माइसीलियम नजर आ रहा है। सेकेंडरी माइसीलियम एक कपनुमा संरचना बना रहा है। कपनुमा संरचना की जो भित्ति है वह पेरिडियम कहलाती है और यहीं पर एसिडियो फोर्स नामक संरचना बनती है जो कि विभाजित होकर एसियोस्पोर्स तथा डिसजंक्टर, यहाँ पर
ध्यान में देने वाली बात है कि जो एसिडियोफोर होते हैं वह बाई न्यूक्लिएट कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं एक श्रृंखला में उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक श्रृंखला में एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका आगे चलकर एसियोस्पोर्स बना देगी। छोटी कोशिका डिसजंक्टर कोशिका कहलाती है, जो कि बाद में नष्ट हो जाती है। इसी को हम विस्तार से देखते हैं। यह आपको पत्ती की सरफेस पर एसीडियल कप नज़र आ रहे हैं। एसीडियल कप में वॉल पेरिडियम कहलाती है तथा एसिडियोफोर के द्वारा इस प्रकार से सेल्स काटी जाती हैं। बड़ी सेल्स एसिडियोस्पोर्स के रूप में कार्य करती हैं और बीच की कोशिकाएं यानी इंटरकैलरी सेल, जिसे हमने डिसजंक्टर सेल कहा था, ये बाद में नष्ट हो जाती हैं। बनने के पश्चात यह एसियोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। पेरिडर्म पर दबाव पड़ने से पेरिडर्म टूटती है, साथ ही लोअर एपिडर्मिस टूटती है तथा एसियोस्पोर्स इस एसीडियल कप से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि ये एसियोस्पोर्स जो हैं यह वापस बर्बेरिस लीफ को संक्रमित नहीं कर सकते, अपितु यह प्राइमरी होस्ट यानी वीट को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। तो प्राइमरी होस्ट वीट पर संक्रमण की शुरुआत इन्हीं एसियोस्पोर्स से होती है, जो कि द्विकेंद्र की संरचना के रूप में पाए जा रहे हैं। इस चित्र के द्वारा आप पक्सिनिया में पाए जाने वाले पांचों स्पोर्स तथा वीट व बर्बेरिस पर होने वाले परिवर्तनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं प्राइमरी होस्ट यानी वीट से। तो प्राइमरी होस्ट पर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर सर्वप्रथम यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, जो कि समर्स में बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं। आसपास के स्वस्थ पादपों में रस्ट डिजीज के प्रसार का कारण बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स में ही वापस गेहूं के पादप को संक्रमित करने की क्षमता होती है। सीजन के एंड में यानी विंटर में ये यूरिडोस्पोर काले धब्बों वाले टेल्यूटोस्पोर्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। यह टेल्यूटोस्पोर गेहूं के पादप को पुनः संक्रमित नहीं कर सकते, सॉइल में पड़े रहते हैं तथा इनसे अगले सीजन में जर्मिनेशन के द्वारा अगले स्पोर्स यानी बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार गेहूं के पादप में क्रम से सबसे पहले यूरिडोस्पोर, तत्पश्चात टिल्यूटोस्पोर और फिर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। यहाँ पर गेहूं के या प्राइमरी होस्ट से संबंधित स्टेजेस समाप्त हो जाती हैं। इसके पश्चात बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने हैं, हैप्लोफेस प्रारंभ होती है, सेक्सुअल साइकिल प्रारंभ होता है, जो कि ऑल्टरनेटिव होस्ट यानी बर्बेरिस लीव्स पर प्रारंभ होता है। बर्बेरिस लीव पर सर्वप्रथम पिकनीडियोस्पोर्स का निर्माण होता है और यहीं पर स्पर्मेटाइजेशन के पश्चात एसियोस्पोर्स का निर्माण होता है। यही एसियोस्पोर्स वापस गेहूं के पौधे को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार पक्सिनिया में ए सेक्सुअल साइकिल वीट में व सेक्सुअल साइकिल बर्बेरिस में पूर्ण होता है। इस चित्र की सहायता से आप पक्सिनिया के लाइफ साइकिल को एक दृश्य में देख सकते हैं। पक्सिनिया एक दीर्घचक्री अथवा मैक्रोसाइक्लिक कवक है, जिसके जीवन चक्र में पांच प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। यह निश्चित क्रम में तथा निश्चित होस्ट पर ही बनते हैं। कन्फ्यूजन अथवा किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति से बचने के लिए आप इस लाइफ साइकिल के चित्र को
समझ लीजिए ताकि आपको पांचों स्पोर्ट्स का सीक्वेंस तथा उनके बनने की प्रक्रिया की जानकारी हो सके। गेहूं की पत्ती पर सर्वप्रथम यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। यह यूरिडोस्पोर आसपास के स्वस्थ पादपों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। यूरिडोस्पोर्स के पश्चात गेहूं की पत्ती पर ही आगे टिल्यूटोस्पोर्स बनते हैं। टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेशन के पश्चात चार अगुणित बेसिडियोस्पोर्स बना रहे हैं। यह बेसिडियोस्पोर वापस गेहूं को नहीं संक्रमित करते अपितु बर्बेरिस की पत्ती पर संक्रमण फैलाते हैं। बर्बेरिस की पत्ती की अपर एपिडर्मिस पर पिकनीडियोस्पोर का निर्माण होता है जो कि ना तो गेहूं ना ही बर्बेरिस को संक्रमित कर सकते हैं अपितु यहाँ लैंगिक जनन या स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिसके पश्चात एसीडियल कप में एसियोस्पोर्स बनते हैं। यह एसियोस्पोर्स पुनः गेहूं की पत्ती को संक्रमित करते हैं और इस प्रकार पक्सीनिया का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो मैं आपको पुनः महत्वपूर्ण टर्म्स याद दिलवा दूं। हेट्रोशियस कवक, क्योंकि गेहूं व बर्बेरिस दो होस्ट्स में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। मैक्रोसाइक्लिक, क्योंकि कुल पांच प्रकार के स्पोर्स पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में बनते हैं। उपरोक्त चित्र में यही सारी बातें आरेखीय रूप से दिखाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हैप्लो व डिप्लोफेज एक दूसरे के एकांतर क्रम में चल रही हैं। तो पक्सीनिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवक है जिसमें आपको अनेक प्रकार के स्पोर्स तथा अनेक प्रकार के लाइफ साइकिल्स यानी दोनों होस्ट पर लाइफ साइकिल्स देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।